चलिए सुनते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, रघु शर्मा जी, मोहन प्रकाश जी, लालचंद कटारिया जी, दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, घनश्याम तिवारी जी, सुभाष मेहरिया जी, स्टेज पे हमारे सारे सीनियर नेता, एमएलए, मंत्री, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, ये नारा सब जगह चला है। ये मत सोचिए कि सिर्फ सीकर में चला है, ये पूरे हिंदुस्तान में अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जो इसने चोरी की है, चौकीदार जी ने जो चोरी की है, किससे चोरी की है? हाँ, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले और सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए, पहली चोरी। दूसरी चोरी, 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का चौकीदार जी ने कर्जा माफ किया है। अब हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, युवा, उनका कर्जा एक रुपया माफ नहीं किया, एक का माफ नहीं किया, मगर 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। दूसरी चोरी। तीसरी चोरी, किसानों से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हर किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, कर्जा माफ करूंगा और किसान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। चौथी चोरी, हिंदुस्तान के हर नागरिक को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया क्या? मिल गया। अब कांग्रेस पार्टी ने पता लगाया, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मैंने कहा देखिए, चौकीदार ने बहुत चोरी की है, लाखों करोड़ रुपए लिए, जनता को झूठ बोला, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। अब मैं सच्चाई जानना चाहता हूं और वो सच्चाई मैं सीकर की जनता को बताना चाहता हूं। किस चीज की सच्चाई जानना चाहते हैं आप? मैं ये समझना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट से बोला, थिंक टैंक वालों से बोला, मैं ये समझना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी, वो जो नरेंद्र मोदी जी का वायदा था 15 लाख का, अगर कांग्रेस पार्टी उस वायदे को पूरा करना चाहे, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, मगर अगर हम उस वायदे को पूरा करना चाहें, तो कितना पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं? मुझे एकदम जवाब मिला कमरे में, राहुल जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार ऐसे थोड़ी बैंक में पैसा डालती। मैंने झट जवाब दिया, ऐसे पैसा नहीं डालती। तो अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में कौन सी सरकार ने पैसा डाला? क्या जापान की सरकार ने पैसा डाला? क्या नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में चाइना की सरकार ने पैसा डाला? मेहुल चौकसी को क्या अमेरिका की सरकार ने पैसा दिया? नहीं। इन सब चोरों को हिंदुस्तान के चौकीदार ने हिंदुस्तान की सरकार का पैसा दिया। तो अगर ये 15 लोगों को दे सकते हैं, तो हम गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, फिर मुझसे पूछते हैं, बताइए आप कितने लोगों के बारे में बोल रहे हैं, कितने लोगों को बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं आप? मैंने बोला
तैयार था मैं, मैंने बोला भैया हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूं। राहुल जी 25 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ परिवार, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा देखिए आप पता लगाइए, अगर बैंक अकाउंट में 10 रुपए डाले जा सकते हैं तो 10 बता दीजिए, अगर 5 रुपए डाले जा सकते हैं तो 5 बताइए, आप पता लगा के आइए। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं होना चाहिए। अब वापस गए, कुछ दिन पहले आए, नंबर पे कागज पे चिदंबरम जी ने नंबर लिख दिया 72,000। मैंने कहा ये क्या है, 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, ऐसे थोड़ी होगा। कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए। फिर मैंने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, क्या सिर्फ एक साल के लिए मिलेंगे, उनको तो 5 साल के लिए दिए। कहते नहीं। मैंने कहा कब तक मिलेंगे। कहते राहुल जी 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को उस दिन तक बैंक में पैसा आएगा जब तक उन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। जिस दिन 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी ज्यादा हो जाएगी उस दिन उनको नहीं मिलेगा, मगर उस दिन तक उनको मिलेगा। अब सोचिए, चौकीदार जी ने चौकीदारी की बात की थी, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, हमने सच्चाई निकाली, 15 लाख रुपए नहीं डाला जा सकता, झूठ है, 3,60,000 रुपए 5 साल में डाला जा सकता है, सच है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, सीकर की जनता, सीकर के गरीब लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं, किसानों को गारंटी दे रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 72,000 रुपए साल के सीकर के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मैं डालने जा रहा हूं। अब मैंने आखिरी सवाल पूछा, मैंने कहा ठीक है आपने ये 72,000 नंबर बड़ा बढ़िया दिया, मैंने सोचा था आप 5,000 रुपए कहोगे, 10,000 रुपए कहोगे, मगर आपने 72,000 कहा, 3,60,000 मतलब कम पैसा नहीं है, जिंदगी बदल देगा, गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदल देगा, तो ये आपने काम की बात की, मगर एक बात बताइए इससे नुकसान तो नहीं होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान तो नहीं होगा, दुकानदारों को नुकसान तो नहीं होगा, युवाओं को नुकसान तो नहीं होगा। कहते हैं नहीं, उल्टा है, नुकसान नहीं होगा फायदा होगा। मैंने कहा बताओ समझाओ कैसे। कहते राहुल जी नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जनता की जेब से पैसा निकाला, जैसे ही पैसा निकाला जनता ने माल खरीदना बंद किया, सीकर के लोगों ने पहले जो शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन खरीदते थे नरेंद्र मोदी ने जेब से पैसा निकाल दिया, खरीदना बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, दुकानों में माल नहीं बिका, जैसे ही दुकान माल नहीं बेच पाए हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, जैसे ही फैक्ट्रियां बंद हुई लाखों करोड़ों युवाओं को कहा गया भैया आप जाइए घर, आपकी कोई फैक्ट्री में जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, उधर कोई खरीद नहीं रहा है तो हम कुछ बना नहीं रहे। और 45 साल से ज्यादा सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, युवाओं सुनिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं, हर रोज हर 24 घंटा हिंदुस्तान 27,000 नए युवाओं को बेरोजगार बनाता है।
ये नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का काम। अब होगा क्या, जैसे ही हमने न्याय योजना का पैसा आपके जेब में डाला, आपके बैंक अकाउंट में डाला, वैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, शर्ट पैंट जूता सेलफोन आप खरीदना शुरू करोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा, जैसे ही दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार मिलने लग जाएगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की सोच, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा, दुकानदारों को फायदा, किसानों को फायदा, युवाओं को फायदा, सबको न्याय योजना से फायदा मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मध्यम वर्ग से कांग्रेस पार्टी पैसा छीनकर गरीबों को देगी, और मैं मध्यम वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, मिडिल क्लास के लोगों को कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, आपसे हम एक रुपया छोड़ो आपसे हम एक पैसा नहीं लेने वाले हैं। अब आप कहोगे भैया अगर आप हमसे नहीं लोगे तो पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं, अनिल अंबानी से आएगा, मेहुल चौकसी से आएगा, नीरव मोदी से आएगा। भाइयों और बहनों, 15 लोगों का लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने माफ किया है, नाम जानते हो? देखिए पहला नाम मैं बोलता हूं, दूसरा नाम आप बोलिए, अनिल, मेहुल, नीरव, विजय, ललित, ये इन चोरों के बैंक अकाउंट से चुन चुन कर मैं निकाल के दूंगा। अब एक और बात देखिए, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की फोटो आपने अनिल अंबानी से गले मिलते हुए देखी है, देखी ना आपने? नरेंद्र मोदी जी को नीरव मोदी मेहुल चौकसी का बैठा हुआ देखा है? आपने कभी मेरी फोटो अनिल अंबानी से गले मिलते हुए देखी है? कभी देखी है मैंने? आपने कभी मैं नीरव मोदी के साथ मेहुल चौकसी के साथ आपको फोटो में दिखाऊं? कभी नहीं, दिख नहीं सकता। मेरी फोटो आपको किसानों के साथ दिखाई देती है, युवाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ? सीधी सी बात है, वो 15 लोगों के चौकीदार हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने किसान के घर में कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार होता है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है चौकीदारों की, लाइन में नंबर 1 पे चौकीदार मोदी जी खड़े हैं, पहले नंबर पे अनिल अंबानी जी। बताइए क्या करा जा सकता है, आप बताइए। राफेल का हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चलिए देते हैं आपको, क्या प्रॉब्लम है? एचएल से छीन लेते हैं, एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, उनका क्या लेना देना, हटाओ उनको, वो तो पब्लिक सरकारी कंपनी है। चलो मैं फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जाता हूं, आपकी बात करता हूं, 2 मिनट में हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी जी आए थे, साफ हमें बता दिया 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदना है, अनिल अंबानी को देना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को नहीं देना है, और हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। उनका तो काम 2 मिनट में हो जाता है। अच्छा आप मुझे समझाओ, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है अनिल अंबानी पर, वो जेल जा रहा था, उसके भाई ने पैसा देकर उसको जेल से निकाला है, भाई ने 45,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है, और दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट आप उसको दे रहे हो? उसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, जानता भी नहीं, मैं कागज पकड़ा दूं उसको, कहूं भैया कागज का हवाई जहाज बना के दिखा दो, वो भी नहीं कर पाएगा। उसको 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 चौकीदार जी कहते हैं अनिल भाई आइए, अनिल भाई चलिए फ्रांस, अनिल भाई मैं आपका काम करता हूं। और जब पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, लोकसभा में मैंने 4 सवाल पूछे जो अभी मैंने आपके सामने रखे, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया, कभी कांग्रेस पार्टी की बात की, कभी
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 1.5 घंटा राफेल की बात नहीं की, अनिल अंबानी की बात नहीं की, और जब हम जवाब दे रहे थे भाई आंख में आंख नहीं मिला पाए, कभी यूं करें, कभी यूं करें, कभी यूं करें, कभी यूं करें। जो जो ईमानदार होता है वो आंख में आंख मिला के बोलता है, जो चोरी करता है वो आंख में आंख नहीं मिला सकता है। और प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो भाषण दिया 1.5 घंटे का, वो हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं मिला पाए। और मैंने उनको चैलेंज दिया है, चौकीदार जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आइए मेरे साथ, आइए डिबेट करते हैं, 15 मिनट आप भ्रष्टाचार पे बोलो, 15 मिनट मुझे बोलने दो, कहीं भी आ जाऊंगा, रेसकोर्स रोड में बुलाना है वहां आ जाऊंगा, पार्लियामेंट हाउस में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चोमू की जनता को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर एक बार फिर से चौकीदार को चोर कहा और कहा कि मोदी जी ने चोरों की जेब में पैसा डाला। और एक बार फिर से जनता के सामने न्याय योजना को विस्तार से बताया और न्याय योजना के फायदे बताए और कहा कि किसानों युवाओं को मोदी जी ने धोखा दिया है। ये जनसभा कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष महरिया के समर्थन में की गई और जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किए और ये भी कहा कि पीएम मोदी ने जनता से झूठे वायदे किए, ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया और ना ही लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार के लोगों के अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए पहुंचेंगे, यानी कि सालाना 72,000 रुपए हर गरीब परिवार के अकाउंट में डाले जाएंगे। ये विशाल जनसभा सीकर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष महरिया के समर्थन में की गई और राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद दिखे। सीएम अशोक गहलोत ने भी जनसभा को संबोधित किया और अपने 3 महीनों की सरकार के कार्यकाल के बारे में भी बताया और साथ ही ये भी कहा कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद जो भी वायदे किए गए प्रदेश की जनता से वो पूरे किए जाएंगे।